नमस्कार दोस्तों, AFS सॉल्यूशंस बेंगलोर की ओर से मैं सचिन राव आपका प्रोफेशनल और एजुकेशनल डेटा रिकवरी कोर्स के फर्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ में हमारे मोहम्मद रफ़ी सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं उन्हें कि जिनके मोटिवेशन से और जिनके मार्गदर्शन से, उनके गाइडेंस से और उनकी हेल्प से मैं ये कोर्स बना पाया। डेटा रिकवरी का जो कोर्स है, इसमें हम समझ लेते हैं कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि जब हम हमारे शॉप पर या सर्विस सेंटर पर कई बार कोई डेटा रिकवरी का केस आता है तो हम उससे अक्सर मना कर देते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि पता नहीं इसके लिए कौन से महंगे टूल्स लगेंगे या कोई महंगे महंगे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके लिए हमें पहले समझ लेना होगा कि डेटा रिकवरी के टाइप्स क्या है, डेटा कितने टाइप्स से रिकवर किया जाता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है डेटा किस किस तरीके से रिकवर होता है और क्या टाइप है डेटा के लॉस होने के। तो इसमें जो होती है, तीन तरह की रिकवरी होती है, लॉजिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। ये मेनली तीन तरह होते हैं जिससे कि हम बोल सकते हैं कि डेटा रिकवर किया जाता है। मैकेनिकल डेटा रिकवरी नाम से स्पष्ट है, हेडर, प्लेटर, मोटर, ये जो मैकेनिकल जो आइटम्स होते हैं हार्ड डिस्क के अंदर, उन सब पार्ट्स के अंदर कहीं कुछ दिक्कत होती है अंदर, तो वो मैकेनिकल में आता है। जैसे हेड का स्ट्रक होना, कट कट की आवाज़ आना, ये सब मैकेनिकल में आता है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में पीसीबी से रिलेटेड, जो बाहर एक पीसीबी दिखती है हमको हार्ड डिस्क के पीछे, उसमें आईसीज लगी हुई है, उसके कारण भी कई बार कट कट की आवाज़ आती है, उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, डेड होना, बर्न होना, ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो जाती है। थर्ड जो आता है लॉजिकल डेटा रिकवरी, सबसे ज़्यादा मार्केट में केस इसी के आते हैं और ये ईजी टू रिकवर है, यानी कि हम इसमें कम से कम टूल्स की मदद से और कम से कम खर्चे की तरह, यूँ कह सकते हैं फ्री में या कुछ कम से कम खर्चा करके डेटा रिकवर कर सकते हैं और इसमें भी अर्निंग अच्छी खासी हो जाती है। इसके कुछ हमारे कस्टमर्स के रिव्यू मैंने हमारे इसमें डाले हैं, हमारे कोर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि कस्टमर के सेटिस्फेक्शन क्या होता है डेटा रिकवरी होने के बाद। तो अब हम बात कर लेते हैं लॉजिकल रिकवरी में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। कोर्स बहुत सब कुछ लगभग कवर किया है मैंने कोर्स में, फिर भी कुछ छूट जाता है तो मैं वन ईयर की अपडेट फ्री दे रहा हूँ। AFS सॉल्यूशन वन ईयर की अपडेट फ्री दे रहा है कि उस बीच में कोई नई केस आती है, केस स्टडी आती है या कोई ऐसा प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, तो वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उसको हमारे इस कोर्स में इंक्लूड कर देंगे। तो आप लोगों को हमने एक फाइल या एक इमेज शेयर करी थी, उसमें मैंने लिखा था कि हम लोग क्या क्या सिखाने वाले हैं आपको। तो इसमें एक बार हम इसको एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ लिखा हुआ पार्टीशन मशीन सॉल्यूशन, यानी कि कई बार क्या होता है, कस्टमर हमारे पास एक लैपटॉप या हार्ड डिस्क लेके आता है, कहता है कि इसमें चार पार्टीशन थे या पांच पार्टीशन थे, इसमें से एक या दो पार्टीशन अब नहीं दिख रहे हैं और उसमें मेरा डेटा है, तो उसको कैसे रिकवर करना वो मैं आपको इसमें बताएंगे, मैं आपको उसमें बताने वाला हूँ। उसके बाद अगला है, हम कोई हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या डेटा रिकवरी के लिए कोई एक्सटर्नल ड्राइव आती है तो हम दो मिनट में चेक करके ये देख सकते हैं कि क्या इसमें से डेटा रिकवर होगा या नहीं होगा, हम उसको इमीडिएटली हाथों हाथ चेक करके बता देंगे, ये मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। हार्ड डिस्क की हेल्थ कैसे चेक करते हैं कि हार्ड डिस्क की कंडीशन क्या है, वो हम इसमें सीखेंगे। कई बार क्या होता है, किसी का पार्टीशन डिलीट हो जाता है, किसी कस्टमर के बात छोड़िए, कई बार हम लोग भी विंडो फॉर्मेट करते हैं तो जिस पार्टीशन के अंदर कस्टमर का डेटा होता है, गलती से हम उसी पार्टीशन को डिलीट कर देते हैं। तो इस केस में दो मिनट के अंदर, चाहे वो डेटा 1 GB का हो, चाहे 1 TB का हो, चाहे 10 TB का हो, कितना भी बड़ा डेटा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पार्टीशन क्यों ना हो, आप उस पार्टीशन को रिकवर कर सकते हैं। GB में हो चाहे TB में हो, किसी भी साइज़ का डेटा हो, किसी भी साइज़ का पार्टीशन हो, उसको आप दो मिनट में रिकवर कर सकते हैं, ये मेथड मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ। उसके बाद कई बार कस्टमर हमारे सामने एक पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क लेके आता है, कहता है कि इसका साइज़ तो दिखाई दे रहा है कि कितने साइज़ कंज्यूम किया है इसने डेटा ने, लेकिन जब मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ तो अंदर डेटा दिखाई नहीं दे रहा है, पेन ड्राइव ओपन हो रही है पर डेटा दिख नहीं रहा है। हिडन अनहिडन वाले ऑप्शंस को भी उसने चेक कर लिया है कस्टमर ने, यूट्यूब पे देख कर या कहीं भी, उसके बावजूद भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है।
उसके बाद भी उसको डेटा दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका सॉल्यूशन भी हम 2 मिनट में पता करेंगे कि कैसे हम इसका डेटा वापस ला सकते हैं। कई बार डेटा रिकवर होके आ जाता है पर वो हमको उसके एक्सटेंशन ऐसे देते हैं कि हम उसको डेटा को ओपन नहीं कर पा रहे। फोटोग्राफ्स थे रिकवर होके आ गए, दिख भी रहे फोटोग्राफ्स के आइकॉन्स, लेकिन वो फोटोग्राफ ओपन नहीं हो रहे। उसको कैसे रिपेयर करते हैं वो हम इसमें देखेंगे। डेटा रिकवरी के कई टूल्स मार्केट में अवेलेबल है, हम लोगों ने किया भी है, कुछ लोगों ने उसको यूज़ किया होगा, कोई क्रैक्ड सॉफ्टवेयर या कोई पेड सॉफ्टवेयर, कोई खरीद के सॉफ्टवेयर को यूज़ किया होगा। तो मैं 100% फ्री कुछ टूल्स मेरे पास अवेलेबल है जो नेट के ऊपर अवेलेबल है, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कई बार कस्टमर फॉर्मेट का सॉल्यूशन लेके आता है कि फॉर्मेट एरर आ रही है, उसको सॉल्यूशन दे दीजिए कि आप पार्टीशन ओपन कर रहे हैं तो वहाँ ओपन न होते हुए एक एरर आ रही है कि इसको फॉर्मेट करेंगे तो ही आप इसको ओपन कर पाएंगे, तो और वहाँ कस्टमर का डेटा है तो वो कैसे ठीक करेंगे हम इसमें देखेंगे। पार्टीशन करप्ट हो गया तो उसको कैसे रिकवर करेंगे। उसके बाद एक कॉमन केस हमारे सामने अक्सर आता है, ये ड्रोन, ये कैमरा वाले जो शादी की वीडियोस शूट करते हैं, वेडिंग फ़ोटो शूट करते हैं, तो अक्सर ये जब मेमोरी कार्ड निकाल के सिस्टम पे लगाते हैं तो इनकी मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाती है। तो उसका डेटा सबसे ज़्यादा केसेस इनके आते हैं, और यहाँ से आपको आपके वर्क की जो वर्थ है, मतलब जो आपने काम किया है उसका पैसा आपको यहाँ से मिलता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है ना, यही लोग पैसा देते आते हैं क्योंकि इनको इसकी रिक्वायरमेंट है। एक वेडिंग शूट करके आया है बंदा और उसके बाद उसकी पेन ड्राइव करप्ट हो गई या उसका जो मेमोरी कार्ड है वो करप्ट हो गया है, वो आपको एक मुंह मांगी कीमत देगा उसको रिकवर करने की, क्योंकि वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको वर्क सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और आपको लगेगा कि हाँ किसी की ज़रूरत की चीज़ आपने उसको दी है, तो वो आप इसमें रिकवर कर सकते हैं। वो मैं आपको सिखाऊंगा कि पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड करप्ट हो गई तो उसको कैसे रिकवर करना। इसके बाद एक समस्या और आती है कि हमने रिकवर तो कर दिया लेकिन उसके बाद इमेजेस आधी आधी आ रही है, कटी हुई आ रही है, ओपन नहीं हो रही है। एक प्रॉब्लम ये आती है, वीडियोज़ जो है वो हैंग हो रहे हैं, ब्लर आ रहे हैं, मिक्स होके आ रहे हैं, वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसको कैसे रिकवर करना। मतलब कि रिकवर होने के बाद भी वीडियो और इमेजेस करप्ट रहती है, उसको कैसे ठीक करना वो हम इसमें सीखेंगे। रैंसमवेयर की पूरी इन्फॉर्मेशन हम इसमें देखेंगे कि क्या होता है रैंसमवेयर, क्या उससे जो डेटा है वो रिकवर हो पाएगा और कितने तरीके से रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद हार्ड डिस्क, जो बैड सेक्टर आते हैं, बैड सेक्टर वाले हार्ड डिस्क से डेटा रिकवर कर सकते हैं क्या। नेक्स्ट आता है बिटलॉकर, जो एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। बिटलॉकर इनक्रिप्टेड हार्ड डिस्क से डेटा रिकवर पॉसिबल है क्या और कैसे कैसे रिकवर कर सकते हैं। कई बार रॉ पार्टीशन की दिक्कत आती है कि कस्टमर कोई हार्ड डिस्क एक सिस्टम से निकाल के दूसरे सिस्टम पे लगा रहा है और उसका पार्टीशन जो होता है वो रॉ पार्टीशन दिखाने लग जाता है। ये एरर हमने बहुत बार फेस करी है और ये एरर बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है, तो मैं इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताऊंगा। एक्सेस डिनाइड आता है कई बार कि पार्टीशन है जो ओपन नहीं हो रहा है, पेन ड्राइव ओपन नहीं हो रही है, एक्सेस डिनाइड लिखा हुआ आ रहा है। राइट प्रोटेक्शन, ये भी हमने कई बार प्रॉब्लम देखी, वो सॉल्व करेंगे। मैक ड्राइव का डेटा कैसे रिकवर करते देखेंगे। उसके बाद कई बार ऐसा केस आता है कि हम या हमारा कोई कस्टमर कोई हार्ड डिस्क या लैपटॉप या पेन ड्राइव सेल कर रहा है तो वो चाहता है कि फ्यूचर में कोई इसमें से डेटा रिकवर ना कर ले। आपने फॉर्मेट कर दिया हार्ड डिस्क को तो फ्यूचर में कोई उसमें से डेटा रिकवर ना कर ले, तो इस तरह से डेटा को फॉर्मेट करना कि उसकी रिकवरी पॉसिबल ना हो पाए वो हम इसमें सीखेंगे। ड्राइव लेटर मिसिंग की प्रॉब्लम आती है वो हम इसमें सीखेंगे कि उसे कैसे सॉल्व करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इसके अंदर कवर करने वाला हूं। और उसके बाद 1 ईयर फ्री अपडेट का मतलब ये है कि इस बीच में जो मैं रेगुलरली को डेटा रिकवरी करता हूं तो उस बीच में मुझे कोई ऐसा इंटरेस्टिंग केस आता है या कोई नई तरीके से कोई चीज़ मालूम पड़ती है कि डेटा रिकवरी में कहां कौन सी एक नई प्रॉब्लम आई है और उसको कैसे सॉल्व किया है, तो उसका वीडियो भी मैं आपको इस कोर्स में शेयर कर दूंगा। नई मेथड्स आती है कोई मार्केट में, कोई नया टूल आता है तो वो मैं उसके अवेयरनेस आपको देने वाला हूँ इसके अंदर, और बहुत कुछ जो भी नई अपडेट्स आएगी वो मैं आपको इस कोर्स के अंदर फ्री में देने वाला हूँ। साथ ही साथ इस कोर्स के साथ में रफ़ी सर के कहने पर, रफ़ी सर ने कहा कि AFS के स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिया जाए, इसलिए मैंने इसके साथ में एक कोर्स और फ्री किया है, वो है पासवर्ड रिकवरी कोर्स। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक केस है जो हमारे पास अक्सर आता है। कई बार PDF कोई आ जाती है कस्टमर की कि इसका पासवर्ड भूल गया है डालकर, जिप फाइल, रार फाइल, 7-zip फाइल, जो भी 7-z फाइल, इस तरह की कुछ फाइल्स आती है, MS ऑफिस की फाइल है जिसमें पासवर्ड डाल के कस्टमर भूल चुका है। तो एजुकेशनल पर्पज से हम इसको भी इसमें कवर करेंगे
कि इसका डेटा कैसे, उसका पासवर्ड कैसे रिकवर कर सकते हैं, विंडो का पासवर्ड कैसे बाईपास कर सकते हैं। एजुकेशनल पर्पस से मैंने इस कोर्स का नाम इसलिए एजुकेशनल कोर्स इसलिए रखा है कि ये इसका कुछ मिसयूज़ ना करे। मैं इसको सिर्फ सिखाना चाह रहा हूँ कि ये एक एजुकेशनल पर्पस से सिखाया गया कोर्स है, पासवर्ड रिकवरी वाला। डेटा रिकवरी तो आप प्रोफेशनली यूज़ करेंगे ही। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप कोर्स को ज्वाइन करिए तो आपको बाकी के जो इसे कंटेंट है वो आपको सब मिल जाएंगे, इसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका और रफ़ी सर का तहे दिल से शुक्रिया। अब आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए और वीडियो को देखिए और मुझे हमें रिप्लाई ज़रूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसे लगे। मेरी गारंटी है कि वीडियो की प्राइस हम इतनी कम रखने वाले हैं, इतनी कम रखने वाले हैं कि मुझे लगता है कि एक डेटा रिकवरी से ही आप वो जो अमाउंट आपने दिया है वो आप रिकवर कर लेंगे। इतने सारे जो मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं, एक टॉपिक से भी अगर आपका काम हो गया, एक टॉपिक से भी आपने किसी का डेटा रिकवर कर दिया, तो ये अमाउंट आपका आपको वापस मिल जाना है। इतनी कम फीस रखने वाले हैं हम। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।